हिमाचल भवन की है, जहां हरियाणा में टिकट तय करने के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। दूसरी तस्वीर हरियाणा बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर की है, जहां सुबह सुबह प्रदेश के नेताओं की बैठक। बीजेपी ने पिछले हफ्ते गुरुग्राम में दो दिनों तक बैठक कर उम्मीदवारों की जो लिस्ट तैयार करके दिल्ली भेजी थी, उस पर आज मंथन का दिन है। थोड़ी देर बाद बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगने की उम्मीद। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक से पहले मोदी सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी बेटी और 11 समर्थकों के लिए टिकट की डिमांड रख दी है। बीजेपी इनमें से 4-5 को टिकट देने के लिए तैयार है। सूत्रों की माने तो राव इंद्रजीत को पार्टी मनाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा में चुनाव 1 अक्टूबर को है और सभी दलों में उम्मीदवारों को लेकर माथापच्ची चल रही है। कांग्रेस की बात करें तो कल तक 60 सीटों पर चर्चा हुई थी, आज बाकी 30 सीट पर चर्चा हो रही है। अब कांग्रेस हरियाणा में कहां खड़ी है, तो आपका जवाब क्या होगा? ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ हरियाणा। कितनी सीटों पर खड़े हैं आप लोग मजबूती? जितनी भी आप दे सकते दे दो, आप गलत पुरवार नहीं होंगे। सूत्रों की माने कांग्रेस में उन तमाम विधायकों को टिकट देने पर सहमति बन गई है जो 2019 में चुनाव जीते थे। ऐसे 28 उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। वैसे तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा को भी सीएम पद की रेस में माना जा रहा है। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया के इस बयान से कि किसी भी सांसद को विधानसभा चुनाव में नहीं उतारा जाएगा, ये संदेश गया कि कुमारी सैलजा सीएम पद की रेस से बाहर हो गई है। कुमारी सैलजा दलित समाज से आती हैं। जाहिर है दीपक बावरिया के इस बयान से कांग्रेस को हरियाणा में नुकसान हो सकता था। यही वजह है कि डैमेज कंट्रोल करते हुए अब दीपक बावरिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं होती है, जिसे भी विधायकों और आलाकमान का समर्थन होगा वो मुख्यमंत्री बन सकता है। वैसे एक रोचक तथ्य यह भी है कि 2004 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, उस वक्त वो भी सांसद थे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.